तो बस अब होटल से निकल रहे हैं, और जो हमारा होटल था वो था दानिश पैलेस। मिरर वगैरह सब सेट कर लेते हैं। गुजर रहे हैं एक खूबसूरत से रास्ते से, और जो हमारी मंजिल है उससे बहुत ही करीब है हम, क्योंकि आज हमें जाना है लेह, और लेह पहुंचने में लगभग 9 घंटे बता रहा है। तो आराम से 12-13 घंटे, 12 घंटे तो मानो। हम सुबह 6 बजे निकले तो आराम से शाम को 6-7 बजे तक पहुंचेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रात के टाइम भी उधर थोड़ा उजाला रहता है 8 बजे तक, तो इस वजह से कोई इश्यू है नहीं है। बाकी रात में डाइमॉक्स ले ली थी, बाकी मेरी और मेडिसिन थी वो लेना भूल गया, तो उसकी वजह से थोड़ा कोल्ड खांसी वगैरह हो गई है। अब आगे पेट्रोल वगैरह फुल करवा लूँगा गाड़ी में, और क्या नाम है, 2 लीटर की बोतल है उसमें भी डाल लूँगा, ताकि आगे कहीं दिक्कत नहीं आए। हमारे सामने स्नो वाले पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गए, और जैसे जैसे आगे जाते जा रहे वैसे पहाड़ पास आते जा रहे हैं, तो अब इन माउंटेन की तरफ भी चलेंगे। मगर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है सुबह सुबह के टाइम में, इतना अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा यार। तो इसी खूबसूरत सुबह के साथ में शुरुआत करते हैं अपनी एक खूबसूरत सी राइड के साथ। बाकी जानवरों से थोड़ा बच के, क्योंकि इधर उधर कभी भी आ सकते हैं, तब भी केयरफुल। छोड़ो आप तो नज़ारा एंजॉय करो यार। बाकी अभी हम शायद किसी गांव में से गुजर रहे हैं, तो दोस्तों क्या रास्ते आए हैं। अब देखो इन खूबसूरत रास्तों के साथ में ही क्या गजब वाला नज़ारे हैं। नीचे इधर रिवर है, और उसके साथ साथ ही हम चल रहे हैं। अभी थोड़ी थोड़ी सी धूप आने लगी है, बट अच्छा धूप रहनी चाहिए, नहीं तो फिर नाटक हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। मैंने क्या वेदर देखा था सुबह, तो अच्छा बता रहा था 2-3 दिन तो, बाकी श्रीनगर में कल की बारिश है, आज कुछ भी नहीं है, तो सही है यार, हो जाना चाहिए अच्छा, पूरा राइड बिल्कुल अच्छा सा हो जाए तो बढ़िया है। तो ये खूबसूरत नज़ारों के साथ में एक खूबसूरत सा ब्रिज आया है, देखो यार क्या लग रहे हैं, एक नंबर है। और ये नीचे रिवर वेरी है बहुत ही खूबसूरत सी, वाह। अभी यहाँ देखो कितने स्नो है, ये देखो पूरा स्नो है, बाकी इस बार बीआरओ ने काफी जल्दी रोड क्लीन कर दिए, इन रास्तों से ही प्यार है यार। देखो पूरा ग्लेशियर है,
आगे भी पूरा ग्लेशियर है। अभी बहुत पूरे रास्ते यही मिलने वाला है। बेशुमार हो तुमसे ही तो हो गया ना प्यार इन नजारों के साथ। पता है मुझे तो कैमरा बंद करने का दिल नहीं कर रहा है, पर क्या करें, कैमरा तो बंद करना पड़ेगा ही क्योंकि अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। अगर कैमरा बंद नहीं किया तो बैटरी लो हो जाएगी। बाकी देखो सोनमर्ग ओनली 4 किलोमीटर बाकी है यहाँ से, और ये ट्रक ने फंसा दिया गाड़ियाँ पर। जो गाड़ी फंसा ही नहीं है, वो रोड से ही कर रहे हैं। वेलकम टू सोनमर्ग। तो ये एक ब्रिज बन रहा है और रोड भी बन रहा है अच्छा खासा, तो अभी हमको चलना है बिल्कुल सीधा। तो आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा रोड होने वाला है और काफी सारी टनल्स वगैरह भी बन रही है, तो रोड वगैरह बहुत अच्छे हो जाएंगे। बाकी कैसा लग रहा है ये नज़ारा बताओ आप तो बस, बाकी और कुछ छोड़ दो सब, आप तो ये नज़ारा बताओ कैसा लगा, क्या बोलती पब्लिक, कैसा लग रहा है नज़ारा। तो अपन है अभी सोनमर्ग में, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। तो वही एक कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। बस हमें क्या आगे जाना है और अमरनाथ यात्रा के लिए इधर से निकल जाते हैं। बाकी अभी रोड का काम बहुत चल रहा है, जोजिला जो जोजिला पास है उसके लिए टनल्स वगैरह भी बन रही हैं, तो बहुत जल्दी वो भी बन जाएगी। बाकी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यार। तो यहाँ लग रहा है जाम पूरा का पूरा, चलो आगे टू व्हीलर तो निकल जाएगी। अरे चलो चलो चलो, पूरा जाम लग रहा है। बोल रहे कि रास्ता बंद है आज, किससे पूछे हैं? हाँ पूछो एक बार,
आगे लगा लो गाड़ी, आगे लगाओ। हैं? अभी हम सोनमर्ग में हैं और हमको बोला कि रास्ता रास्ता आज बंद है। उनको भी मालूम नहीं है तो आगे ट्रैफिक वाले ना ये ट्रैफिक छोड़ते करते हैं। हाँ अच्छा फिर चल कहाँ गए उधर? गाड़ी उधर ही खड़ी कर देना और क्या है ना, तुम जाकर आ जाना। आज का शायद ही ओपन करे यार, क्योंकि उधर से भी जो गाड़ियाँ आ रही है इस कारण बंद कर रखा है। ऐसे तो हमारे लगने वाले हैं। तो आज हम यहीं पे कैंपिंग करेंगे नीचे की साइड में, और कल सुबह 6 बजे हमको जाने देंगे, क्योंकि फ्राइडे को रास्ता बंद रहता है। तो फ्राइडे को बस आने आने का ट्रैफिक है, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा वो जाम वगैरह है, इस वजह से आज तो इस वजह से बस वाह गाड़ियाँ हैं जो आ रही है, जाने किसी को भी नहीं दिया जा रहा। तो कल सुबह 6 बजे सबको जाने देंगे। तो अब बस कैंपिंग करेंगे यहाँ पे और इन खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठाएंगे, क्योंकि तो रात में टेम्परेचर माइनस में रहने वाला है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सर्दी खतरनाक पड़ेगी। तो अभी कैंपिंग लोकेशन पर आ गए और कैंप लगाएंगे यहीं पे। बाकी ये देखो नदी वगैरह हमारे कितने पास में है और कितनी खूबसूरत है यार, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये।
तो अभी बारिश वगैरह स्टार्ट हो गई है और पीछे हमारा टेंट लग चुका है। हमारे टेंट में सामान देखो कितना है, अभी तो टेंट फुल है। सर्दी लग रही भयंकर है। कौन सा वो बाइक है क्या आपका? ये सामने अपना टेंट लगा है और गाड़ी ये खड़ी है अपनी। तो अभी कैंप में बैठे बैठे मैगी बनाई है और कैंप देखो क्या गर्म कर दिया हमने पूरा जो किया वो ऐसा लग रहा है जैसे करीब 10-15 दिन यहीं रुकने, पर अब हम कल सुबह जल्दी निकलना है यहाँ से। तो अब मैगी खाते हैं उसके बाद में बैठेंगे अंदर थोड़ी देर कैंप में। तो अभी कुछ ही टाइम में सनसेट हो जाएगा, बाकी कुछ व्यू देखो इतना खूबसूरत लग रहा है। तो अभी लगभग शाम को 6:30 बजे और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। आगे पूरे बादल बादल दिख रहे हैं पर इधर जो मौसम है ना साफ होता जा रहा है। तो अब खाना वाना बनाएंगे, देखते हैं आज क्या बनाएं। अभी तो कुछ सोचा नहीं है क्योंकि दिन में तो मैगी वगैरह बना के खा ली थी। तो अभी हो रहा है बोन फायर और ये भैया हमको मिले थे यहाँ से और विशाल भाई बना रहे हैं कॉफी कावा, कश्मीरी कावा। तो कावा के नाम से बवासीर पिला दी हाँ भैया आपका नाम बताओ। मेरा नाम सिराज। और आपका? नसरू। तो हम कैंपिंग लगा रहे थे उसी टाइम भैया आए थे, तब मिले, बहुत मस्ती करी। तो धीरे धीरे खाना वगैरह भी यहीं बनाएंगे, उसके बाद में करेंगे थोड़ा बहुत चिल, फिर सो जाएंगे। फिर सुबह मॉर्निंग में क्या जल्दी उठना है, पूरा सामान वगैरह पैकअप करना है, उसके बाद में 6 बजे तक तो निकल जाना है यहाँ से क्योंकि 6 बजे बाद एंट्री नहीं देंगे। तो अभी रात हो चुकी है और सब जगह अंधेरा हो गया और हम भी अभी कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको दिखाता हूँ। तो ये कैंपिंग में तो अभी बॉनफायर कर रहे हैं तो उसमें देखकर कुछ खाना वाना के लिए कुछ बनाए क्योंकि सुबह भी मैगी बनाई थी, अभी कॉफ़ी बना के पी है और अभी बॉनफायर हो रहा है। और जैसे जैसे सूरज अस्त होता जा रहा है वैसे वैसे सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इस वजह से बॉनफायर लगाया है। तो कुछ खाना बनाएंगे उसके बाद में सो जाएंगे क्योंकि हमें सुबह 4 बजे उठना है कैसे भी करके और 6 बजे यहाँ से निकलना है क्योंकि पूरा टेंट वगैरह पैक करने में बहुत टाइम जाएगा। तो अभी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करना। और ये आ रहा मेरा इंस्टाग्राम मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर करना। अब मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।